नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। भारत ने चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया। 59 ऐप के बैन करने के बाद हिंदुस्तान को चाहे फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन चीन को बहुत फर्क पड़ा है। चीन की धज्जियां उड़ गई हैं। चीन ने इस बैन पर 59 ऐप बैन पर उसने आर्थिक जंग की धमकी तो दी है, साथ साथ सैनिक जंग की भी धमकी दे डाली। चीन ने इस बैन को आर्थिक जंग का नाम दिया है और आर्थिक जंग के बाद उसने क्या कुछ कहा है, चलिए मैं स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं कि चीन ने कैसे जंग की धमकी दे दी है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, कुछ दोगले लोग हैं, कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि भारत ने 59 ऐप को बैन करके क्या उखाड़ लिया या क्या चीन को क्या नसीहत दे डाली। तो आपको दिखा दें आज की रिपोर्ट कि 59 ऐप के बैन करते ही चीन पूरी तरीके से बावला हो गया है, पागल हो गया है। उसकी दुखती रग पर हिंदुस्तान ने हाथ धर दिया है। कई करोड़ अरबों डॉलर का अरबों डॉलर उसके तबाह कर दिए हैं। यही नहीं, चीन को घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर कर दिया और आर्थिक मोर्चों पर के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चों पर भी घेरना शुरू कर दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं चीन ने टिकटॉक जैसे 59 ऐप को बैन करने पर क्या कुछ कहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना से हिंसक झड़प करने के बाद भी न सिर्फ चीन इसका आरोप भारत पर मरता रहा, बल्कि बातचीत के दौरान बनी सहमति का पालन करने की जगह अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ सीमा पर डटा रहा। भारत ने आखिरकार कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। इस कदम से बौखलाए सरकारी मीडिया ने भारत पर न सिर्फ तंज बल्कि धमकी देना भी शुरू कर दिया। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी दे डाली, कहा है कि इसके परिणाम पहले से बदतर होंगे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हूं सीजिन ने ट्वीट किया, अगर चीन के लोग भारत के प्रोडक्ट्स बायकॉट करना भी चाहें तो उन्हें भारतीय प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं। भारतीय दोस्तों, आपको राष्ट्रवाद के अलावा ज़्यादा अहम चीज़ों की भी ज़रूरत है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स का हमला सिर्फ तंज तक सीमित नहीं रहा, अलग अलग लेखों में उसने भारत को इसके कारण होने वाले नुकसान भी गिना डाले। सबसे पहले पसंदीदा मार्केट था भारत। ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि एक साल पहले तक भारत चीनी निवेशकों का सबसे पसंदीदा मार्केट था, उसे अगला 1 बिलियन मार्केट कहा जाने लगा था, जिसे चीन के मोबाइल इंटरनेट के लिए अहम माना जाता था। 2017 से लेकर 2020 तक भारत में चीनी निवेश $10 बिलियन पहुंच गया था, लेकिन पहले कोरोना वायरस और फिर सीमा पर तनाव के बाद संबंध बदलने लगे। चीन के अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है भारत। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के ऐप बैन से चीन की संबंधित कंपनियों पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि चीन की बेहद ताकतवर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके। अखबार ने दावा किया कि लद्दाख में हुई घटना के बाद चीन शांति से भारत सरकार से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की रक्षा की अपील कर रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार राष्ट्रवाद की भावना के आगे फेल हो गई है और घरेलू दबाव के चलते यह कदम उठा रही है। द्विपक्षीय संबंधों के खराब होने से आर्थिक टकराव होगा। अखबार का कहना है कि भारत के इस कदम से नकारात्मक संकेत मिलते हैं, जैसे चीन के बहिष्कार की मांग भी खराब हुई है और द्विपक्षीय संबंधों के कारण आर्थिक टकराव भी हो जाएगा। उसका यह भी कहना है कि हाल ही के सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद कई बार हुआ है, लेकिन दोनों देशों के लिए आर्थिक युद्ध में उतरना आम बात नहीं है। अखबार ने यह चेतावनी तक दे डाली कि भारत को चीन के साथ आर्थिक युद्ध के परिणामों को कमतर नहीं समझना चाहिए। चीन के कोई कदम नहीं उठाने पर भारत को चीनी बिजनेस पर कार्रवाई करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। उनका कहना है कि 2017 में डोकलाम विवाद के ज़्यादा परिणाम दिखने को नहीं मिले थे, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को फौरन सुधार लिया गया था।
यही नहीं, अखबार ने चेतावनी दी है कि भारत ने जो किया उससे चीनी निवेशकों और व्यापारियों के विकास को चोट पहुंची है और कोरोना वायरस से पहले से ही जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे वक्त तक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे हालात में अगर भारत सरकार देश के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे डोकलाम से भी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखबार ने लिखा है कि हमें उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हालात को सच्चाई को समझेगी और मौजूदा संकट को भड़भड़कती आग में तब्दील होने से रोकेगी। अखबार ने आरोप लगाया है कि भारत ने सीमा बंद कर दी जिससे बिजनेस एक्सचेंज मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के चलते भारत के अंदर भी चीनी कंपनियों का काम करना मुश्किल हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि चीन को टारगेट करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे चीनी निवेशकों का विश्वास कम हो गया है, उन्हें भारत निवेश के लिए अब सबसे सही देश नहीं लगता है। अखबार का यह भी कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के चलते खराब हुए हालात को देखते हुए चीनी नागरिक देश वापस लौटना चाहते हैं। इस साल अगले निवेश पर आशंका होने के कारण चीनी कंपनियाँ और इन्वेस्टर भारत को फैसला नहीं कर पा रहे हैं। निवेश पर राजनीतिक आर्थिक माहौल का पड़ेगा असर। पहले भी भारत के मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ को तैयार सीना चौड़ा करते रहे चीन की एक कंपनी के अधिकारी के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पहले भारत में 3 दर्जन नए स्टोर खोलने और 10,000 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन अब वह फैसला कैंसिल हो गया है। अखबार का कहना है कंपनियां अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि क्या राजनीतिक हालात और महामारी को देखते हुए उन्हें पूरी तरह से भारत से वापसी कर लेनी चाहिए। भारत में निवेश से जुड़े एक ऑफिशियल के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि निवेश को लेकर कंपनियों का आगे के फैसले पर प्रतिकूल राजनीतिक और आर्थिक माहौल का असर पड़ेगा। इनका कहना है कि ऐसे में काम करने और रेवेन्यू जनरेट करने में भी मुश्किल होगी। तो चीन का यह हाल था कि चीन ने पूरा अपना दुखड़ा सुना दिया, अपना दुख बयां कर दिया, बातों बातों में उसने दिखा दिया कि उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो भारत में नसीहत दे रहा है कि भारत के ऊपर असर पड़ेगा, जबकि उसे नहीं पता है कि अगर भारत के ऊपर असर पड़ता तो भारत इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। वैसे भी इस समय भारत बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है, नफा नुकसान देखने का समय नहीं है, इस समय देश बचाने का समय है। जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि ये चीनी ऐप्स भारत के डाटा को भेज रहे थे, तो वाकई में भेज रहे थे क्योंकि कंप्यूटराइज में सिस्टम में या आज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आज टेक्नोलॉजी में कुछ भी सक्षम है, कुछ भी हो सकता है। इस टिकटॉक के चक्कर में, चीनी ऐप्स के चक्कर में हमारे सेना के कई जवान भी इसमें शामिल थे, वो भी टिकटॉक का प्रयोग करते थे, वो भी यूसी ब्राउजर का प्रयोग करते थे और सेना के जवानों के लिए यह प्रयोग अपने आप में घातक था, देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल था, इसलिए ये ऐप्स बैन होना बहुत ज़रूरी था। ऐसा मत समझिए कि ये ऐप बैन हो गया तो भारत में जो इसके यूजर थे वो परेशान हो जाएंगे। आप गूगल पर सर्च मारिए, इससे भी बेहतरीन ऐप भारत में मौजूद हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और सरकार जल्द ही एक से बढ़कर एक ऐप लाएगी जो जिन ऐपों को देखकर आप चीन को भूल जाएंगे। इंतज़ार कीजिए क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। अभी भी टिकटॉक के सामने आप कई ऐप हैं, आप देखिए जैसे इंडिया के जो ऐप हैं मित्रों और पोसो जैसे ऐप हैं जो कहीं ना कहीं टिकटॉक को टक्कर देते हैं। यूसी ब्राउजर के सामने कई सारे ऐप हैं जो यूसी ब्राउजर को टक्कर देते हैं। तो आप सिर्फ गूगल को सर्च मारिए, आप चाइनीज़ ऐपों को भूल जाएंगे। चाइनीज़ ऐप हमारे लिए बहुत नुकसानदायक थे, हमारे देश का पैसा पूरा का पूरा चीन में भेज रहे थे और चीन उन पैसों से हथियार खरीद रहा था, उन्हीं पैसों के दम पर, उन्हीं हथियारों के दम पर वो भारत को धौंस दिखा रहा था। हमसे कमाए हुए पैसे से चीन पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग करता था, सीपेक परियोजना प्रोजेक्ट सीपेक जो उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको बना रहा था, सैनिकों को शहीद करने के लिए हथियार बना रहा था और भारत पर जंग करने की तैयारी कर रहा था। तो ये सब कुछ आज ऐप की वजह से हो रहा था। बस आपसे मेरा निवेदन है कि इस ऐप को तत्काल अपने मोबाइल में अनइंस्टॉल कीजिए और देश के सामने एक मिसाल पेश कीजिए और देश के विकास में, देश की सुरक्षा में अपनी सहभागिता दीजिए। मैं इस वीडियो को
ख़त्म करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।